हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड्स, आज जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में, यानी कि स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या होता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DOL। ये DOL होता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि पहले हमको समझना होगा कि स्टार्टर क्या है। इस चीज़ को समझ लेंगे तो उसके बाद जो है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टार्टर का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जो है कि हम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर मान लें, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग लगाते हैं स्टार्टर। ये स्टार्टर होता क्या है? ये स्टार्टर करता ये है कि करेंट, यानी कि जो आई होती है, ये इसको कंट्रोल करता है या वोल्टेज को कंट्रोल, इन दोनों को ये कंट्रोल करके जो है कि मशीन को जो है कि सेफ्टी देता है, यानी कि सुरक्षा देता है। अब बात करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से ये जो है कि हम लोग जो स्टार्टर की बात कर रहे हैं, जो DOL की बात कर रहे हैं, तो DOL है क्या, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है क्या, किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कहाँ पर पहले ये यूज होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे जनरली इसका नाम होता है पहला हमारा, इसको हम लोग जानते हैं पुश बटन स्टार्टर, पुश बटन स्टार्टर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, या स्पेशल स्विच के भी नाम से हम लोग जानते हैं। पुश बटन स्टार्टर इसलिए इसे बोला जाता है कि इसमें दो में दो जो है कि बटन होती है, जो एक जो है कि रेड कलर की होती है और एक होती है ग्रीन कलर। जो रेड कलर की होती है वो स्टॉप के लिए होती है, जो ग्रीन कलर की होती है वो स्टार्ट के लिए होती है। तो ये आपको जो फिगर में दिखाई दे रहा है, ये थ्री फेज एक स्टार्टर है, जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में उसकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है, इसको बोलते हैं DOL। इसमें क्या है, जो आपको सोलेनाइट का जो ये स्ट्रिप है ना, ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग है। फिर जो आप ये टीसी देख रहे हैं, थर्मल कॉइल, थर्मल कॉइल, इस भी थर्मल कॉइल है, थर्मल स्विच है, वो यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक कॉइल, फिर RYB जो कि थ्री फेज सप्लाई है। इस स्टार्टर की जो है कि हम लोग इस स्टार्टर का यूज जो है कि 5 HP की जो हाई रोटर रेजिस्टेंस की जो मोटर होती है उसमें हम लोग DOL का यूज करते हैं। अब जो है कि समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझना होगा, ये जो आपको रेड बटन जो है, यहाँ पे रेड करके दिखाया गया, रेड बटन होती है और ये क्या है, ग्रीन। ये रेड वाली बटन जो है कि हमेशा क्लोज क्लोज सर्किट जो है कि फॉलो करती है, और ये जो है कि हमेशा ओपन सर्किट का काम करती है। जनरली होता क्या, जब इसे हम लोग जब ये स्टार्ट करना है, जो ये ग्रीन वाली बटन दिख रही है आप, ये देखिए ओपन सर्किट है। जब ये दोनों कॉन्टैक्ट, यानी कि ओपन सर्किट में, यानी कि NO नॉर्मली ओपन होते हैं, नॉर्मली ओपन सर्किट यानी NOC जिसको बोलते हैं, सो NOC की कंडीशन में होता है, जब इसको हम पुश करते हैं, जैसे पुश किए हम लोग ग्रीन वाली बटन, ये कॉन्टेक्ट आपस में जुड़ गया। जैसे जुड़ा, हम लोग यहाँ थ्री फेज की सप्लाई ऑलरेडी पहले से दे चुके हैं मोटर की, जैसे ही यहाँ से थ्री फेज की सप्लाई पाता है, तुरंत ही पुश किए हम लोग, तुरंत ही दोनों कॉन्टेक्ट जो है आपस में जुड़ गए। फिर यहाँ से ऑलरेडी आप ये जितने भी आपके सर्किट दिख रहे हैं, ये मैग्नेटिक कॉइल जो है कि आपस में जो है कि दोनों मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज कॉइल हो जाता है, तुरंत जो है कि आपस में सब
चिपक, ये चिपकने के बाद में दूसरे से कांटेक्ट से मिल जाता है। इसे मिलता है तो तुरंत क्या होता है, जिसमें फॉलो करने लगता है, करंट फॉलो करने लगती है, जिससे कि मोटर यहाँ से घूमने लगता है, मोटर स्टार्ट हो जाता है। अब बंद कैसे हो जाए? अब ये जो बटन आपको दिखाई दे रही है, रन अवस्था में भी है, रनिंग कंडीशन में, जब हम ऑफ करते हैं, ये जो आपको रेड बटन दिखाई दे, जब इसको हम पुश करते हैं, पुश करने के बाद तुरंत ये ऊपर वाला ये ऐसे ये कॉन्टेक्ट जो है कि आपस में हट गया, एक दूसरे ये कॉन्टेक्ट हट करते हैं तो तुरंत मोटर जो है कि रनिंग करना बंद कर देते हैं। अब आती है बात की किस प्रकार से जो है कि सेफ्टी कर सेफ्टी रहता है मोटर को, तो मोटर को ये सेफ्टी दो कंडीशन में देता है। कौन कौन सी कंडीशन होती है इसमें? इरेज करना या उसका स्पीकर पर डायग्राम लेना हो तो आप इजीली स्पीकर इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से जो है कि जो है कि मोटर को सेफ्टी देता है, मोटर को सेफ्टी देने का मतलब देखिए बस दो कंडीशन। पहली कंडीशन होती है नो वोल्ट, यानी नो वोल्ट, और एक क्या होता है ओवर वोल्ट, यानी ओवर वोल्टेज की कंडीशन, और एक क्या होता है नो वोल्ट, यानी कि कोई वोल्टेज में हो या लो वोल्टेज हो और लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज भी होती है, यानी दोनों कंडीशन में ये मोटर क्या होती है खराब होती है, या तो नो वोल्टेज कंडीशन होगी या तो ओवर वोल्टेज कंडीशन में, या ओवर वोल्टेज में या ओवरलोड की कंडीशन में। जो जो नो वोल्टेज या लो वोल्टेज की कंडीशन जब मोटर होती है उस समय ये स्टार्टर किस प्रकार वर्क करता है, उस समय जो है कि ये स्टार्टर देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। जो लो वोल्टेज होता है उस समय मोटर का जो स्टार्टर होता है ना, उस समय जो है कि ये जो आपको मैग्नेटिक पल दिखाया गया था ये आप देखे थे, ठीक है, मैग्नेटिक कॉइल का भी क्या होता है, पर्याप्त सप्लाई ना मिलने के कारण ये आपस में जो है कि डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ये विचुंबकित हो जाता है, जिससे कि जो पूरी सर्किट आप देखे थे ये पूरी सर्किट क्या होती है भंग हो जाती है, यानी भंग हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये ऐसे आप देखे थे ना ये वाला कंडीशन, जो कंडीशन थी ये आपस में जो है कि फिर से ओपन हो जाती है, जब ये ओपन हो जाती है तो ओपन होने के बाद जो कि मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। बात ये कि ओवरलोड की कंडीशन किसी को ओवरलोड कंडीशन में जो है कि यानी ओवर लोड या ओवर वोल्टेज कंडीशन या ओवर वोल्टेज लेवल तक आपने देखा था कि यहाँ पर देखिए ऐसे कंडक्ट करके एक था थर्मल स्विच, जिसको हमने दिखाया था TS, जो ओवर वोल्टेज हो जाता है, ये जो थर्मल स्विच होता है नॉर्मली ये जो हमारा बना होता है बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है, ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है उस समय जब ओवर वोल्टेज या ओवर लोड हो जाता है उस समय जो है कि हमारा ओवर करेंट फॉल्ट हो जाता है, ओवर करेंट फॉल्ट हो जाता है। ओवर करेंट फॉल्ट होने की कंडीशन में ये जो हमारा बायोमेटालिक स्ट्रिप की जो स्ट्रिप लगी होती है यानी जो जिसको हम थर्मल स्विच बोलते हैं ये ऑटोमेटिक जो है कि गल जाता है, यानी बनने का मतलब ही यहीं से ख़त्म हो जाता है, भंग हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे कि उस कंडीशन में हम लोग यानी ओवरलोड की बात करें या ओवर वोल्टेज की कंडीशन में या ओवर करेंट फ्लो के या फॉल्ट की कंडीशन में हमारा हाई टेम्परेचर को पहुँचता है, जिससे तब जाके हमारा ये भंग होता है या ब्रेक होता है या टूट जाता है, जिससे कि मोटर की हम लोग सेफ्टी कर पाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है कि DOIL का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।